आर्य कन्या विद्यालय समिति द्वारा आर्य सामाजिक परिषद के सहयोग से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस आज मनाया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा को सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने ओम ध्वज और हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। महर्षि दयानंद का जन्म दिवस है और वो ऐसे संत थे जो कुरीतियों के खिलाफ देश को बहुत बड़ा दर्शन देकर के गए हैं। मुझे खुशी है कि आदरणीय स्वर्गीय छोटू सिंह जी आर्य साहब की नेतृत्व में जो संस्था यहाँ पर आर्य समाज के स्कूल्स बने, आज शहर में लगभग एक दर्जन के आसपास संस्थाएं काम कर रही है, जहाँ पर हमारे बच्चे और बच्चियाँ वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे संस्कारों से युक्त होकर के पढ़ाई के अलावा बच्चों में नैतिक शिक्षा, स्वावलंबन, सेल्फ डिफेंस, घरेलू कार्यों में दक्षता और चारित्रिक बल पे बहुत महत्व संस्था में दिया जाता है। शोभा यात्रा विद्या मंदिर स्वामी दयानंद मार्ग से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंची। इस मौके पर देश के अनेक भागों से आए साधु सन्यासी और राष्ट्रीय स्तर के आर्य नेता शामिल हुए। वहीं विद्यालय समिति प्रधान जगदीश गुप्ता, निदेशक कमला शर्मा, प्रदीप आर्य, अमर मुनि, डॉक्टर राजेंद्र प्रदीप गर्ग, अशोक आर्य और सुरेश दर्गन आदि मौजूद रहे। इसके अलावा लंगर का भी आयोजन किया गया।